सिंध हाईकोर्ट में आमदन से जायद सासे बनाने से मुतालिक केस में मुकेश कुमार चावला और दीगर की हिरासमेंट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। असगर उमर से मजीद तफसीला जानेंगे। जी असगर। जी असगर, जी असगर उमर, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, सिंध हाईकोर्ट में आज साबित सुबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन और चार पांच उनके अफगान जो है महकमे के, उनकी एक दरखास्त थी कि हमें नैब की जानिब से हरासा किया जा रहा है। और अदालत ने इस बात को नोट किया और आईओ से भी पूछा तफ्तीशी अफसर से कि ये असेंबली जब मुतफिक थी और असेंबली बहाल थी उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, क्योंकि ये 2021 का केस पेंडिंग में है, इसकी क्या कार्रवाई थी। तो तफ्तीशी अफसर का ये कहना था कि इससे पहले ये कार्रवाई की जा चुकी थी और मुझे ये ट्रांसफर किया गया है। तो अदालत ने उनसे वजूहत पूछी है नैब से कि बताया जाए 10 अक्टूबर को कि ये किन वजूहत के पर इंक्वायरी को ये दोबारा इसको एक्टिव किया गया, रीओपन किया गया है। नैब की जानेब से डॉक्यूमेंट जमा कराए गए, उसमें ये कहना था कि मुकेश चावला का जो कारोबार था उनकी कंपनी 2017 से बैंड है और इनकी आमदनी के जराये नहीं है, लेकिन इनके आमदनी के असासों में बेतहाशा इजाफा हुआ है और इनसे पता किया जा रहा है कि वो कैसे असासे बनाए गए, लेकिन इन्होंने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है। दोनों को हिदायत की गई है कि 10 अक्टूबर से जवाब दाखिल करें। बहुत शुक्रिया असगर उमर तफसीलात के लिए।